15 वर्षों बाद भी महाविद्यालय में नहीं बन पाया है परीक्षा भवन। जी हाँ, आपने सही सुना, यह कहीं और का नहीं आदर्श कॉलेज राजनवार की बात है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में परीक्षा भवन फेज टू के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 16 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त मात्र 7,75,250 रुपये का ही भुगतान किया जा सका था। उसके बाद से आज तक यहाँ कोई भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण आज तक अर्धनिर्मित परीक्षा भवन अधूरा ही पड़ा हुआ है। परीक्षा भवन अधूरा रहने के कारण भारी परेशानी का सामना यहाँ के विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। इस बाबत प्राचार्य ने बताया कि कई बार पत्र लिखकर सरकार को इस बात की जानकारी दी गई, परंतु आज तक इस पर कोई पहल नहीं हो पाया है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदर्श महाविद्यालय राजधनवार का नाम पूरे क्षेत्र में आदर्श होगा, इसके लिए वे प्रयासरत हैं और यहाँ की समस्याएं दूर की जाएंगी। के पांच गांव को हम लोगों ने गोद में लिया है। दो गांव है और सभी गांव का नाम भी कोई याद नहीं है, तो वो पांच गांव आस पास के जिसको हम लोगों ने गोद में लिया उसका पूरा कर देते हैं। 2007-08 में झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने हमारे महाविद्यालय को पूरे विश्वविद्यालय के तहत फेज़ टू के कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय को 15,50,000 के आसपास इस राशि को विमुक्त की गई, राशि को प्राकलन की गई थी और प्रथम फेज़ के तहत हमारे महाविद्यालय को उस वर्ष 7,75,000 रुपया ग्रांट की गई। उस राशि से परीक्षा भवन की जो आधारशिला है और जो ढांचा है वो बन के तैयार हो गया और तदनुपरांत जो दूसरी किस्त थी वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। इस संदर्भ में अनेकों बार हम लोगों ने, हमारे पूर्व के प्राचार्यों ने विभाग को लिखा, विश्वविद्यालय को लिखा, विश्वविद्यालय ने भी पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा निदेशक को भेजा, परंतु आज की तारीख तक हमें दूसरी किस्त के रूप में अभी तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण से हॉल बना हुआ है परंतु उसकी जो अंदर की जो संरचनाएं होनी चाहिए वो अर्धनिर्मित है और विद्यार्थियों को इससे परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारे महाविद्यालय मात्र 6 कमरे हैं, 4,000 विद्यार्थी हैं, तो अगर ये कमरा पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाए तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को इससे काफ़ी लाभ होगा। अभी भी गए थे तो व्यक्तिगत रूप से हमसे वो मिले थे, समय तो उस दिन भी हमको इन्होंने कॉलेज के बारे में विस्तृत रूप से बताया, तो हमने इनको भी आश्वस्त किया है कि मैं कॉलेज के विषय में जानता हूँ और क्योंकि हम इस क्षेत्र से विधायक भी हैं तो हमारा ये कोशिश होगी ये कॉलेज जैसे नाम है कि आदर्श कॉलेज, जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक आदर्श कॉलेज के रूप में स्थापित हो, यह हमारा कोशिश।